हेलो दोस्तों, डाबिस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच, वो भी पटेटो से। वेज पटेटो सैंडविच बहुत ही पसंद आने वाले हैं, इसमें आपको पिज़्ज़ा का भी स्वाद आएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ आपको एक मीडियम साइज का आलू ले लेना है और उसे इस तरह से कट कर लेना है, और इसके बाद इसके लंबे लंबे स्लाइस करते हुए इसको बारीक बारीक क्यूब्स में आपको तैयार कर लेना। अब आप चाहे तो इसे जैसा मन चाहे वैसा इसको कट कीजिए। इस तरह से करने से बच्चों को ये बहुत टेस्टी लगता है। तो बस मैंने आलू कट कर लिया है, और गाजर को भी मैंने पहले ही इसी तरह से कट करके तैयार कर लिया था। ऑनियन भी कट कर लिया है, और साथ में कैप्सिकम भी हमने कट करके तैयार कर लिया है। अब आपको एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख लेनी है, और साथ में उसमें ले लेना है थोड़ा सा बटर। अगर आप बटर ना डालना चाहें तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और घी का भी यूज़ कर सकते हैं, ये सारी तरह ऑप्शनल है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने क्यूब्स में कट करके लिए है, साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच के बराबर इसमें गार्लिक। तो गार्लिक से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत पसंद आने वाली आपको और आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को। तो गाइस, इसी तरह से आपको अच्छे से आलू को पकने देना है, उसके बाद इसमें ऑनियन डाल देना है, और साथ ही हम इसमें कैप्सिकम भी डाल देंगे जो हमने क्यूब्स में कट करके लिया है। अब इन सब आलू को अच्छी तरह से पकने के बाद हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। तो गाजर ऐड करने के लिए पहले आपको आलू को अच्छे से पका लेना है। सब्जियों का क्रंचीनेस ना जाए तो आपको सबसे लास्ट में ही गाजर को ऐड करना है, ताकि ये भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए। और साथ ही आपको फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर हमें बिल्कुल नहीं पकाना है। मीडियम फ्लेम पर हम जब इसे पकाते हैं तो इसके अंदर का जो क्रंचीनेस है वो बिल्कुल भी नहीं जाता है। साथ ही मैंने इसमें जिंजर का एक चम्मच जिंजर पेस्ट भी ऐड कर लिया है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे इसके ऊपर नमक। नमक डालना है आपको स्वाद अनुसार, जैसा आपको पसंद हो। साथ ही आपको डाल देना है आधा चम्मच ब्लैक पेपर, और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ओरिगैनो। ओरिगैनो हर्ब्स डालने से पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आएगा इसके अंदर। साथ ही एक चम्मच आपको मिला लेनी है इसके अंदर मेयोनीज। इस फीलिंग्स को बनाने में बहुत बहुत टेस्टी लगती है। तो गाइस, इस रेसिपी को एक बार इसी तरह से ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, ये बहुत बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। अब आलू भी हमारे अच्छे से पक के तैयार हो गए। इसे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो सके। जब हम इसकी स्टफिंग करेंगे तो इससे हमारा सैंडविच सॉगी बिल्कुल नहीं बनेगा। सैंडविच के अंदर की फीलिंग्स हमारी बनके तैयार हो गई है, इसे हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है, और इसके बाद हम इसको स्टफ करेंगे ब्रेड के अंदर। तो गाइस, यहाँ मैंने 6 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, जिससे हमारे 6 सैंडविच बनके तैयार हो जाएंगे। और एक स्लाइस मैं लगा रही हूँ टमेटो सॉस। टमेटो सॉस को ब्रेड पर पूरी तरह से अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। अगर आपको टमेटो सॉस यानी कि मीठा मीठा टेस्ट पसंद ना हो तो आप इस पर ग्रीन चटनी भी लगा के सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो गाइज, मैंने तो टमेटो सॉस लगा लिया है, साथ ही मैंने इस पर मेयोनीज भी स्प्रेड कर दी है, जिससे हमारा जो सैंडविच है बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। अब मैं मेयोनीज भी अपने अच्छे से स्प्रेड कर ली। अब ले लेते हैं हम स्टफिंग। तो गाइज, इसे इस ब्रेड पे स्टफिंग कर लेते हैं। तो ब्रेड की स्टफिंग इस तरह से स्टफ कीजिए, जितना मसाला आपको पसंद हो उस तरह से आप इस पर अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। बहुत बहुत टेस्टी लगने वाले ये सैंडविच। इसमें आपको सैंडविच वेजिस का भी फ्लेवर आएगा, साथ ही इसमें आपको पिज़्ज़ा का भी मज़ा आएगा। आपको इस पे चीज़ स्प्रेड कर देना है, ये बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको चीज़ का फ्लेवर पसंद हो तो ज़रूर डालिए, बहुत टेस्टी लगते हैं ये सैंडविच। बच्चों को ख़ास तौर पे आप टिफ़िन में बना के ज़रूर दे सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से सभी सैंडविच मैंने बना के तैयार कर लिए। अब रख लेना है एक पैन गैस के ऊपर, और उसे अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद इसकी फ्लेम को कर दीजिए आप बिल्कुल मीडियम। और अब मैं यहाँ बटर लगा रही हूँ, बटर ना हो तो आप इसे किसी भी घी या तेल से भी इसे सेक सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से करने से इसका जो टेस्ट है, ब्रेड हमारी बहुत ही अच्छी तरह से सिक के तैयार हो जाएगी।
सैंडविच सेकते वक्त आपको खास बातों का ध्यान रखना है, आपकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना है, इसीलिए आपको उसे अच्छे से प्रेस करते हुए सेक लेना है। तो गाइज अब हम इसको एक साइड से ही हमारी अच्छे से सेक के तैयार हो गई है। अब हम इसे आहिस्ता से पलट देंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक जैसी सेक के तैयार हुई है। खास बात इसमें ये होती है कि जब भी आप सैंडविच सेकें तो फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखें, हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना पकाएं। उससे इस जो ब्रेड है बाहर से तो बहुत कुरकुरी हो जाएगी पर अंदर से ये सॉगी हो जाएगी, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना। इसी तरह से हम सभी सैंडविच को सेक के तैयार कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होने वाला सैंडविच है, आपको बहुत पसंद आएगा। जब आप सैंडविच को इस तरह से बनाएंगे तो आपका सैंडविच बिल्कुल भी सॉगी नहीं बनेगा और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और कुरकुरा बनके तैयार होगा। तो गाइज आप देख सकते हैं सैंडविच बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से कर ली है। ये बहुत टेस्टी बनके तैयार हो जाने वाली सैंडविच रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं आपको इसका क्रिस्पीनेस भी चेक करा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनके तैयार हुआ है। ये सैंडविच की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।